चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है जो कि एक लव्य स्नातक वन जहां पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा जाता है ठीक है तो अगर हम कंटेंट की बात करें हमारे टोटल तीन यूनिट से और हमने यूनिट वन और यूनिट टू ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम यूनिट थ्री को कम्पलीट कर लेंगे जिसके साथ इसके ये पूरा कोर्स जो है हमारा कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम ऑथर जान लेते हैं तो इस प्ले बेसिकली रोवर एक प्ले है ठीक है जो आफ्रा बेन द्वारा लिखा गया है आफ्रा बेन की अगर हम बात करें तो ये रेस्टोरेशन एज में रेस्टोरेशन जो एरा था उस टाइम की इंग्लिश प्ले राइट पोइट प्रोज राइटर और साथ ही साथ ट्रांसलेटर थी और ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने राइटिंग से अपना लाइवलीहुड अर्न किया था इस वजह से भी इनको बहुत ज्यादा लाइक जाना जाता है आफ्रा बेन को ठीक है फर्स्ट वुमेन हु हर लाइवलीहुड बाय राइटिंग ठीक है so, तो और उसी के साथ अगर हम उनके लाइफ स्पेंड की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ सिविल वॉर इनका लाइफ स्पेंड रहा है ठीक है और फोर्टी uh, नाइन uh, से द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ये सारी इनकी लाइफ टाइम का बात है ठीक है ऑल दो अगर हम बात करें देर बैन के पहले भी राइटर्स थी बट वो ऐसी वुमेन थी पहली जिन्होंने अपनी राइटिंग से अपना लाइवलीहुड बनाया था ठीक है और अब उनकी अगर हम दूसरे वर्क्स की बात करें तो जैसे प्लेज नॉवेल्स लेटर्स पोएम्स उसमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आफरा बैन द्वारा लिखा गया है ठीक है सो दिस वाज द अबाउट द राइटर अफरब ओके अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा स्टोरी है लंबा प्ले है ठीक है तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी तो आप ध्यान से सुनना यहाँ पे ठीक है यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हुए हम ये पूरी स्टोरी समझने वाले इस पूरे प्ले को ठीक है तो यहाँ पे ये फ्लोरेंडा हेलेना और डॉन पेड्रो ये तीनों सिबलिंग्स होते हैं तीनों भाई बहन होते हैं ठीक है तो ये फ्लोरेंडा और हेलेना स्टार्टिंग में बात कर रहे होते हैं एक फ्लोरेंडा का लवर होता है ब्लंट उस बेलवाइ

तो डॉन पेड्रो का फ्रेंड है डॉन एंटेन्यू मैंने आपको बताया जिससे कि डॉन पेड्रो चाहता था कि फ्लोरिंडा की शादी हो जाए ठीक है और अब यहाँ पे देखिए ये जो बेलवाइल है ये दो जो फल फ्लोरिंडा बिलवाइल से लव करती है ठीक है तो इस बीच में ये चारों फ्रेंड होते हैं ठीक है वहां पे बिलवाइल जो होता है नेपल्स की किसी गली में ना उदास बैठा होता है सोच रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि ये जो डॉन पेड्रो है वो फ्लोरिंडा और इसकी बिलवाइल की मैरिज तो होने नहीं देगा तो ये सोच के वो उदास था और इसके जो फ्रेंड है ब्लंट और फ्रेडरिक ये दोनों ना बिलवाइल का मजाक उड़ा रहे थे इसी चीज को लेकर फिर उसी दौरान इन तीनों को मिलता है विलमोर विलमोर ही यहाँ पे रोवर है ठीक है रोवर की अगर हम बात करेंगे तो तो रोवर कौन है यहाँ पे विलमोर ही है ठीक है जिसको याद रखना है आपको जो विल्म, रोवर वो होते हैं बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं आप कह सकते हैं ठीक है तो ये तीनों फ्रेंड जो मिलते हैं विलमोर से मिलते हैं ठीक है और ये उसी बीच ना ये जो ब्लंट होता है और ये आपको याद रखना है कि ये सभी जो चारों फ्रेंड्स हैं ये इंग्लिश मैं ठीक है थीके? तो ये जो ब्लंट होता है ना एक लुसिटा नाम की प्रोस्टिट्यूट के पीछे पागल होता है उसके लाइक वो चाहता है कि वो उसके साथ सोए और उसके साथ मतलब चीजें करे ठीक है तो ये ब्लंट ना उसके पीछे पागल होता है तो फिर उसी बीच में ये सारी बातें चल रही होती है तो ब्लंट कहता है कि मैं तो वहीं जा रहा हूँ जितने भी पैसे उड़ा उड़ने होंगे मैं खर्च कर दूंगा तो उसी बीच जो ये बेलवाइल और फ्रेडरिक होते हैं वो ब्लंट से अपने पैसे वापस ले लेते हैं कहते तू तो पागल हो गया लुसिटा के पीछे तू हमारे पैसे वापस दे दे ठीक है इस तरीके से होता है फिर उसके बाद ना इन चारों दोस्तों को एंजलिका के बारे में चलता है एंजलिका एक और बहुत ज्यादा फेमस प्रॉस्टिट्यूट है उस पूरे सिटी की जो सबसे ज्यादा पैसे भी चार्जेस कर, चार्ज करती है बिकॉज इसका हस्बैंड मर गया है तो ये प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और किसी के साथ भी एक महीना रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करती है ठीक है ये एंजलिका इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है ठीक है तो ये चारों मिलकर इसके पास जाते हैं और इन चारों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि ये पैसा दे देंगे एंजेलिका को ठीक है तो फिर एंजेलिका को ना खुद ही लगता है कि मैं ना बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करती हूँ तो ये चीज होता है तो फिर इस चीज को देख के ना फिर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब अः ये इन एंजलिका का सीन आने से पहले यहाँ पे एक सीन और होता है जिसमें ना कि फ्लोरेंडा और हेलेना ना अपना लाइक रूप चेंज करके जिप्सी गर्ल्स बन जाती हैं जिप्सी गर्ल्स बनकर और वो चली भाग जाती हैं अपने वहां जगह से तो फिर वो वहां से ना भाग जाती है तो वो वो सीधा बिलवाइल के पास आती है बिलवाइल को ये नहीं पता होता कि वो फ्लोरेंडा है बिकॉज फ्लोरेंडा ने अपना भेस बदल लिया होता है जिप्सी गर्ल में ठीक है तो उसी दौरान जब ये बात कर रही होती है बिलवाइल से तो ना डॉन पेड्रो भी वहां पे आ जाता है तो फ्लोरेंडा जो है अपने भाई को देखकर वहां से भाग जाती है बेलवाइल को ना एक लाइक चिट आ, लेटर दे देती है जिसमें एंजलिका के पास जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे चीज होता है तो क्योंकि आपको मैंने बताया ये चारों जो है इनमें से कोई पैसे नहीं दे सकता था तो क्या होता है कि, कि ये जो आ, ये डॉन पेड्रो है ये तैयार हो जाता है एंजलिका के लिए पैसे देने के लिए बिकॉज डॉन पेड्रो के पास बहुत पैसा होता है ठीक है और इन चारों के पास तो पैसा होता ही नहीं है तो ये चारों पैसे नहीं दे सकते थे ठीक है तो इस बीच क्या होता है जो डॉन पेड्रो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है एंजलिका को और फिर साथ ही साथ ही जो डॉन एंटोनियो है वो भी तैयार हो जाता है एंजलिका के लिए पैसे देने के लिए बिकॉज इन दोनों के पास बहुत पैसे थे ठीक है तो इन दोनों के बीच में ना इस चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है कि वो भी पैसा दे सकता था वो भी पैसा दे सकता था और डॉन एंटोनियो जो है वो अपना भेज बदल कर आता है एंजलिका के पास बिकॉज डॉन पेड्रो तो अपनी बहन से शादी करवाना चाहता था डॉन डॉन एंटोनियो की राइट तो ये चीज है यहाँ पे तो फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है ये चीज को देख ना ये जो बिलमोर है जब जब ये डॉन डॉन एंटोनियो के बीच में बहस होने लगता है तो विलमोर जो है वो एंजलिका की ना एक तस्वीर लगी होती है उसको ना खींचने लग जाता है नीचे की तरफ तो डॉन एंटोनियो जो है है वो कहता है कि तुम तो एंजलिका की बेजती कर रहे हो तो ये चीज देख ना ये जो डॉन पेडो और डॉन एंटोनियो ये दोनों जो फ्रेंड है इन दोनों के बीच में और ये जो चारों फ्रेंड्स है इन चारों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है किसको लेकर एंजलिका को लेकर फिर ये बात जो है एंजलिका को पता चलती है कि बाहर लड़ाई हो रही है विलमोर नाम का एक लड़का है जो लड़ रहा है तो फिर वो इंजलिका जो है वो बिलमोर को अंदर बुलाती है अपने घर में अंदर बुला लेती है ठीक है फिर इस दौरान क्या होता है बिलमोर जो है इंजलिका को बहुत बुरा सुरा बोलता है बहुत गलत गलत बोलता है तो कि तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो ठीक है तो इस चीज को लेकर ना इन दोनों के बीच में लड़ाई होते होते ना इन दोनों को आपस में लाइक अट्रैक्शन हो जाता है प्यार हो जाता है तो फिर एंजलिका जो होती है वो फ्री में विलमोर के साथ डील कर लेती है उसके साथ जो करना होता है वो कर लेती है बिना किसी पैसे के विलमोर के साथ ठीक है फिर बिलमोर इस चीज को सोचते हुए ना बाहर निकलता है वहां रूम से और इसके चारों जो दोस्त थे वो सब लाइक चिंता हो जाता है कि इतनी देर तक अंदर कर क्या रहे तो फिर बिलमोर खुश खुश होते हुए बाहर निकलते हुए बोलता है कि अः एंजलिका ने जो है इतना अच्छा डील मेरे साथ वो भी फ्री में कर लिया है उसने तो ये चीज होती है यहाँ पे ठीक है फ्री में कर लिया फिर उसके बाद जो एंजलिका है और हेलेना जो है यहाँ पे

और फिर वो कहती है कि ये हेलेना ये है कौन ये लड़की का पता करना पड़ेगा तो ये अपनी सर्वेंट्स को बोलती है एंजलिका कि इसकी आइडेंटिटी का पता लगाओ तो फिर इसको बाद में पता चलता है कि हेलेना जो है बहुत ही ज्यादा लाइक नो, नोबल गर्ल नोबल लेडी है ये कोई जिप्सी गर्ल नहीं है बिकॉज इसने भी अपने वेस्ट बदल रखे होते हैं और विलमोर और हेलेना को साथ में देखकर ये जो एंजलिका होती है वो जलबुन के राख हो जाती है ये चीज होता है ये सीन हो रहा होता है यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये फ्लोरिंडा जो है वो बिलवाइल को बुलाती है दस बजे ठीक है तो उस समय क्या होता है कि बिलवाइल तो जा नहीं पाता है तो ये विलमोर जो है वो दारू शराब पीकर आप कह सकते हैं ये वो चला जाता है वहां पे और पर फ्लोरिंडा है वो कोई प्रोस्टिट्यूट है और उसको प्रोस्टिट्यूट समझ कर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है फिर उसी बीच जो है ये बिलवाइल आ जाता है और फिर उसे विलमोर को मारने लगता है लड़ाई लड़ाई करने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करे तुम्हें तुमने फ्लोरिडा को नहीं देखा ये चीज तुम ऑलमोस्ट उसका रेप कर ही चुके थे तो ये जो विलमोर है वो बोलता है कि मुझे लगा कि ये कोई प्रोस्थित है मैं फ्लोरिंडा को नहीं पहचान पाया था ये चीज हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो फिर इस बीच क्या होता है कि आ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है तो फिर क्योंकि ये जो बेलवाइल है वो अपना भेष बदल के आया हुआ होता है डॉन एंटोनियो के रूप में तो बेलवाइल के बीच में जब के साथ लड़ाई हो रही होती है फ्लोरिंडा को बचाने के लिए तो डॉन पेड्रो को लगता है कि ये डॉन एंटोनियो अच्छा आदमी है मैं उसका तो ये अच्छा आदमी है तो फिर डॉन एंटोनियो क्या करता है इस फ्लोरिंडा का हाथ ना बेलवाइल को दे देता है बट बेलवाइल क्योंकि उस समय डॉन एंटोनियो के रूप में होता है तो डॉन पेड्रो समझ नहीं पाता है फिर जब वैसे ही ब्लंट और जब फेडरिक आते हैं तो इससे बेलवाइल से गले मिलते हैं तो उसके ना लाइक सामने आ जाता है तो डॉन बेडो तुरंत ही हाथ वापस ले लेता है कहता है कहता कि मैंने किस इन पागल लुच्चे इंग्लिश मैन को अपनी बहन के हाथ में दे दिया लाइक ऐसा होता है तो फिर हाथ वापस ले लेता है ये सारी चीजें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये सारी चीजें होती हैं ठीक है फिर फ्लोरिंडा को आ, फिर ना कुछ देर बाद क्या होता है कि जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो यहाँ पे एक सीन होता है कि अः मैंने आपको बता देना कि ब्लंट जो है वो लुसिटा के पीछे पागल होता है एक प्रोस्टिट्यूट होती है दूसरी तो वो लुसिटा जो होती है ना वो ब्लंट के साथ बुरा करती है वो उसको लाइक धोखे से ले जाकर किसी गड़, आ, अंधेरे वाले रूम में और गड्ढे में गिरा देती है तो उस समय से ना ब्लंट को ना सारी औरतें जो होती हैं वो बेकार लगती हैं वो सारी दुनिया की औरतों को गालियां देते हुए फिरता है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था ठीक है तो फिर एक समय जब फ्लोरिडा अपना भेज बदल के आई होती है तो उस समय ना जो ब्लंट होता है और ये जो फ्रेडरिक होता है वो भी इसकी ब्लैंड की हेल्प करता है

Helena जो है वो भी विलमोर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे एक जो इनकी अः इसकी फ्रेंड थी एक वलेरिया वलेरिया भी फ्रेडरिक से शादी कर लेती है ठीक है तो इन तीनों के बीच में शादी होता है तो फिर बेलवाइल जो होता है इस सीन को देखता है डॉन पेड्रो कि बेलवाइल ने फ्लोरेंडा को बचाया है तो वो ना अपना आ, फ्लोरेंडा का हाथ बेलवाइल को दे देता है क्योंकि फाइनली वो दे देता है पर उसको डॉन पेड्रो को ये नहीं पता होता कि फ्लोरेंडा और बेलवाइल ने पहले ही शादी कर लिया है तो फिर एट दी एंड यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोरिंडा का बेलवाइल के साथ हेलेना का विलमोर के साथ और वलेरिया का फ्रेडरिक के साथ शादी हो जाती है ठीक है और जब ल, जैसे ही लास्ट में हेलेना और विलमोर के साथ शादी होती है तो यहाँ पे स्टोरी जो है एंड हो जाती है तो ठीक है इस तरीके से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये ये पूरी स्टोरी थी प्ले था ये ठीक है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो यही इन मेन कैरेक्टर्स का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है इन्हीं के बीच में सारी चीजें बेस्ड हैं और यहाँ पे जो विलमोर है वो बेसिकली आ, यहां पे मेन कैरेक्टर है ठीक है मेन जिसको हम रोवर की तरह देखेंगे ठीक है रोवर ठीक है तो अब हम कुछ डिटेल में पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि आपको मैंने बताया कि ये पूरी जो मेन प्लॉट है इस प्ले का ये अराउंड रिवॉल्व uh, करता है दो सिस्टर्स के बीच में फ्लोरेंडा और हेलेना के बीच में ठीक है जो भागना

विलमोर के साथ वो लव करती है और साथ लास्ट में शादी भी कर लेती है तो इस तरीके से यहाँ पे तितुलर रोल रोवल रोबर जो है वो विलमोर का रहा है ठीक है रोवर का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पे विलमोर निभा रहा है ठीक है तो ये प्ले जो बहुत ही फीचर करता है इन्वॉल्विंग कैरेक्टर्स को अगर आप इस प्ले को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप लाइक डिस्टर्ब ही नहीं होंगे आप सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पूरी प्ले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है ठीक है मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप ये पूरा प्ले पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपको सारी चीजें और भी इन डेप्थ समझ में आ जाएगी ठीक है जैसे कि यहाँ पे एंजलिका व्यांका जो होती है वो फेमस प्रोस्टिट्यूट होती है हैं यहाँ पे ठीक है जो विलमोर के साथ साथ स्पेनिश नोवलमैन जो डॉन एंटोनियो है हु इज डिटरमाइंड टू मैरी फ्लोरिंडा अगेंस्ट हर विल कैसे ये जो विलमोर है वो फ्लोरिंडा से शादी करना चाहता था अगेंस्ट डॉन एंटोनियो के विश से ठीक है फिर एट दी एंड शादी तो हो ही जाती है ठीक है सो थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे यहाँ पे थीम्स है किसके लव के डिजायर के बट्रायल के एंड क्लैश ऑफ कल्चर्स के और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना लाइक अः भेस बदलना जो है चीजों को वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिकॉज आप देखेंगे जिप्सी गर्ल्स के रूप में वहाँ पे आ, जो हेलेना और फ्लोरिंडा है वो बदलती हैं फिर वैसे ही जो फेडरिक है वो बिलमोर जो है वो डॉन एंटोनियो का रूप ले लेता है ठीक है तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे डिसगाइ करने की थीम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है ठीक है सो थ्रू आउट द कैरेक्टर ऑफ हेलेना हु इज डिटरमाइंड टू असेस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्रश्यू हर ओन डिजायर की कैसे हेलेना जो है इंडिपेंडेंस uh, चाहती थी और अपने खुद के डिजायर्स को पाना चाहती थी ठीक है तो इस तरीके से ये जो रोवर है ये बहुत ही लाइक विटी डायलॉग्स के साथ लाइवली कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे शो हुआ है ये पूरा प्ले ठीक है सॉरी हाउ एवर अगर हम बात करें तो इट हैज सिंस बिकम रिकॉग्नाइज एज अ क्लासिक ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड अ सिग्निफिकेंट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के वर्क में सिग्निफिकेंट वर्क की तरह क्लासिकल रेस्टोरेशन कॉमेडी की तरह इस प्ले को जो है सिग्निफिकेंट मिला है इंपॉर्टेंस मिली है अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको जरूर ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है रोबर बाय बैन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो भी चीजें लाइक जो भी वर्क रेस्टोरेशन एरा में लिखी गई थी उसी को हम रेस्टोरेशन पीरियड के वर्क कॉमेडी प्लेस कहते हैं ठीक है थीके? लव एंड रिलेशनशिप आप इसमें देखेंगे कि कैसी है जो रोवर है इसका मेन कॉम्प्लेक्सिटी ये सारी चीजें लव और रिलेशनशिप के बीच में ही सारी चीजें नेविगेट हो रही हैं इर्द गिर्द घूम रही हैं जेंडर डायनेमिक्स आप देखेंगे कि कैसे जो बैन है जो राइटर है हमारी वो स्टार्ट करती हैं फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेयराइट हैं जो सटनली चैलेंज अपने जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं और अपना लाइवलीहुड जो है अपने राइटिंग से अ, अ, लाइक like अर्न करती है ठीक है तो सी क्रिएट स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर जैसे वो खुद ही स्ट्रांग है आफरा बेन खुद बहुत स्ट्रांग रही है अपनी लाइफ में वैसे ही एक फीमेल कैरेक्टर जो हेलेना है उसको सॉरी फ्लोरिंडा और हेलेना ये दोनों ही जो है इन दोनों को बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर बनाती है इस प्ले रोवर में है ना आप देखेंगे पूरी स्टोरी में ऐसी पॉलिटिकल इंटरव्यू क्या हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये नेपल्स में लिखा गया था ड्यूरिंग द इंग्लिश एक्साइल कि इंग्लिश का टाइम जब एक्साइल हो रहा था उस समय इस रोवर को लिखा गया था तो ये इस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरव्यू को भी दिखाता है और पावर के स्ट्रगल को भी दिखाता है ठीक है तो ये कैरेक्टर जो है एक्शन करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं बाय पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज इन दोनों के बीच में जितने भी लाइक like, टेंशन uh, है पोलिटिकल चीजों को लेकर वो यहाँ पे पोर्ट्रे होता है द रोवर के थ्रू ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेंडर डायनेमिक्स को कैसे दिखाया ने फ्लोरिंडा और हेलना जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बनाया है अपने ही जैसे ठीक है और यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरव्यू दिख रहा है यहाँ पे यूरोपियन और इंग्लैंड कंट्रीज के बीच में ठीक है और सोशल सटायर पे सोसाइटी को लेकर ना व्यंग भी किया गया है कि कैसे जो आफ्रा वो इम्प्लॉय करती हैं शार्प बिट सटायर टू क्रिटिक द सोसाइटियल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अर टाइम अब उनके टाइम के जितने भी सोसाइटियल नॉर्म्स थे वैल्यूज थे उनको वो क्रिटिकली सटायर करती हैं व्यंग करती है उनपे सीडिड्युलेस देश एंड

फ्लोरिंडा होती है अपनी आइडेंटिटी बदलकर जिप्सी गर्ल्स बन जाती है बेन जो है यहाँ पे बहुत ही स्किलफुली इन चीजों को एक्सप्लोर करती है डेवलप करती है और यहाँ पे दिखाती है कि कैसे सेल्फ डिस्कवरी आइडेंटिटी इन सभी के लिए एक मास्क का यूज किया गया है पीपल के द्वारा ताकि उनको जो है सोसाइटी के जो इंटरेक्शन है उनसे बचकर उनको आइडेंटिटी मिल सके अपनी खुद की और वो अपनी डिस्कवरी कर सके ठीक है सो ओवरऑल ये जो रोवर बाय एफ्राबेन लिखा गया है ये बहुत ही रिच और मल्टीफेसेटेड प्ले है आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीकों से दिखाया गया है बहुत सारी चीजों को यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है तो इस वजह से हम इस प्ले को मल्टीफेस्टेड प्ले भी कह सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा लव जेंडर डायनेमिक्स पॉलिटिकल सोशल सटायर इन सभी चीज के बीच में ह्यूमन रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करती है और ये प्ले के थ्रू दिखाया गया है ठीक है सो इट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट वर्क इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी जनर जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्क दरोवर को माना जाता है ठीक है सो so, इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा प्रो, प्रोग्रेसिव प्रस्पेक्टिव के थ्रू हम दरोवर को देख सकते हैं सो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा प्ले समझ में आया होगा और सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई होंगी आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है अगर चीजें नहीं समझ में आती है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फुगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग